प्रोटोनिक्स की क्रोनोस वायलम, ये है प्रोटोनिक्स की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है, जो कि बहुत लोगों को पता है और पता नहीं भी है, बट एक वन ऑफ द बजट स्मार्ट वॉच है और आज हम जानेंगे इसमें फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें अनबॉक्स करने के लिए, बहुत स्लीक सा पैकेट है। पीछे की तरफ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, जिसमें डायल वॉच, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, एसपीटी मॉनिटरिंग मतलब ऑक्सीजन के साथ भी आता है, IPS 6/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग आता है, 200 से ज्यादा वॉच फेसेस आते हैं इसमें, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, मल्टी स्पोर्ट्स मोड और इनबिल्ट म्यूजिक कंट्रोलर। इसका जो यूनिट प्राइस है वो 6000 है और ये प्रोटोनिक्स की अब तक की सबसे सस्ती जो है वो डायल स्मार्ट वॉच है। एंड यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, क्राफ्टेड विद एक्यूरेसी एंड ग्लास, ऊपर क्रोनोस और ये आ गया आपका पैकेट। यहाँ पे आपको वॉच मिलती है एंड ये आ गई आपकी वॉच, जो कि काफी हल्की है। इस स्ट्रैप की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, डायल काफी अच्छा है, नीचे से प्योर ब्लैक है, साइड में जो है बटन दिया गया है ऊपर, एंड इसको मैं पील ऑफ कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपका थोड़ा सा ग्रे कलर टाइप है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है ये। एंड बाकी बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। आपके पास एक चार्जिंग केबल आती है जो कि मैग्नेटिक है, एक क्रोनोस की पूरी लंबी चौड़ी सी एक डायरेक्शन मैनुअल आती है और एक वारंटी कार्ड आता है जो कि लास्ट में दिया गया है। एंड काफी अच्छा सा रजिस्ट्री करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी चीजें साइड में रखते हैं। दिखने में काफी कूल सी स्मार्ट वॉच है, अच्छी खासी मुझे लगी है। कर लेते हैं इसको ऑन। ये आ गया ऑटोनिक्स। वाओ, पहला जो इंप्रेशन है वो काफी कूल है। स्क्रीन है वो थोड़ी सी कर्व में है, नीचे की तरफ ये सेंसर है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, माइक की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, ये स्लोट्स हैं चार्जिंग के लिए, म्यूजिक को आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ये स्टेप्स बताएगी आपका, ये टोटल स्लीप भी काउंट करेगी और BMI भी काउंट करने वाली है, यहाँ आपका ऑक्सीजन लेवल, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका मेन मेन्यू आ जाता है जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे हार्ट रेट के अलावा, एंड जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैसेजिंग भी है एंड यहाँ पे आप सेटिंग्स हैं, वॉच भी है, यहाँ से आप फ्लैश भी जला सकते हो। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको ऑन करने के लिए यहाँ पे वो करना पड़ता है। सेटिंग्स में देखते हैं, रीसेट पावर ऑफ क्यूर अबाउट 3-8 डायल स्विच, तो आप यहाँ पे जो इसके इनबिल्ट है वो अभी चेंज कर सकते हो डायल स्विचेस, बट मेरे को अभी पर्सनली यही ज्यादा अच्छा लगा है। तो सेटिंग्स में डिस्टर्ब, शेक ऑफ भी है यहाँ पे, कॉल रीसेट फोन, ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस है, कॉल रिसेट से। तो थिएटर मोड में ये है कि आपकी वाइब्रेशन चली जाएगी, नोटिफिकेशन कम हो जाएगा, मतलब जब आप मूवीज वगैरह देखते हो तो ये आपका ऑपरेट करेगा वहां पे। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ और फिर देखते हैं इसमें और कितने सारे वॉच फेसेस हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको द फिट ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है, इसको करते हैं हम ओपन। एंड यहाँ पे आप जो भी अपनी चीजें भरना चाहे भर सकते हैं, मैं कि जो भी डिफॉल्ट है मैं उसको रहने दे रहा हूँ, एंड अलो करेंगे हम। एंड यहाँ पे हमें ऐड करना अपनी स्मार्ट वॉच को, लोकेशन हमें देनी पड़ेगी इसको, एंड यहाँ पे आ गई है क्रोनोस Y1, ये हम सेलेक्ट करेंगे एंड ये पेयर हो जाएगी। अभी हम देखें इसमें 47% बैटरी है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, अलार्म एडजस्ट कर सकते हो, शटर्स, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स अपग्रेड कर सकते हो, वॉच फेसेस को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जब आप जाओगे तो मोर वॉच फेसेस में आप अलग अलग वॉच फेसेस जो है वो ले सकते हो। जब आप वॉच फेसेस यहाँ से जो सेट करोगे वही सीधा आपकी स्मार्ट वॉच पे चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये सेट करता हूँ, डाउनलोड किया मैंने, टाइम लगता है, नेट पे डिपेंड करता है और इस ऐप पे भी। एंड ये डाउनलोडिंग आपको वॉच पे भी दिखाएगा कि कितना परसेंट डाउनलोड हो गया है जब आप किसी भी वॉलपेपर को अप्लाई करते हो। मैंने लगा दिया है वॉच फेस एंड देखो ये यहाँ पे लग चुका है। अब जो कस्टम वॉच फेसेस हैं वो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। जब आप ऊपर इसका डायलर को कंट्रोल करते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट्स की आती हैं, जो कॉल के लिए वाइब्रेशन वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से, ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो यहीं से ही, एंड यहाँ पे आप वेदर का वो ले सकते हो, सेटिंग्स में जा सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। थिएटर मोड एक अच्छी चीज मेरे को इसकी लगी है, जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा कर देता है आपके उसको सेटिंग्स को। इसमें वेकअप मोड है, जैसे ही आप
बंद करके ऊपर उठती है तो जो घड़ी है वो सेंसर के थ्रू ऑन हो जाती है। साइड में जो है आप हनी कॉम्ब भी ले सकते हो, जो आपका मैटर है, जो नॉर्मल आप इसमें डिजाइन भी ले सकते हो और हनी कॉम्ब को भी एडजस्ट कर सकते हो, जो आप यहां से जाके सेटिंग्स में से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा डायल स्विचेस में, जैसे कि आप, मैंने डायल स्विचेस किया, यहां से जो भी डाउनलोडेड होगा वो आपका इसमें आ जाएगा। जब डायल स्विचेस में से अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है और आपको एक्स्ट्रा चाहिए, देन आप अलग से जा सकते हो, आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां पे 200 प्लस वॉच फेसेस आपको मैंने दिखाई हैं एंड वहां से आप बहुत सारी चीजें इसके ऑपरेट कर सकते हो। घड़ी दिखने में काफी स्टाइलिश है एंड ये जो है अलोय का बना हुआ है, बाकी प्लास्टिक है, ये जो सिलिकॉन की रेदर स्टेप है, जब हम इसको पहनते हैं तो काफी अच्छी फील एंड लुक फिनिश ये देती है। घड़ी दिखने में काफी अच्छी लगती है, कूल लगती है एंड थोड़ा सा वेट है इसके अंदर, थोड़ा सा वेट है जो कि इसको, इसके प्रेजेंस को बनाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉडीज आती है उनमें इतना वेट नहीं होता एंड उसका पता भी नहीं चलता, बहुत ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा है एंड डेफिनेटली काफी कूल लगती है। हालांकि स्टेप की क्वालिटी थोड़ी सी और इंक्रीज की जा सकती थी एंड जो प्रीमियमनेस है वो कहीं ना कहीं महसूस होती है इस घड़ी के अंदर। बाकी ओवरऑल जब आप इस घड़ी को पहनते हो तो आपको एक अच्छा लुक मिलता है जो कि काफी अच्छा है। दिखने में डायल्स वगैरह काफी अच्छे हैं। 1.75 इंच का इसका डायल है एंड मुझे लगता है पर्सनली, बात करते हैं ये वॉच आपके लिए है या फिर नहीं। वॉच के फीचर्स की बात करें तो काफी भरपूर फीचर हैं इसमें। ब्लड रेट है, ऑक्सीजन लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, स्लीप है, एक्टिविटी है, रिमाइंडर है, फोन आप ले सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा कंट्रोल कर सकते हो एंड दुनिया भर के फीचर्स इसमें लोडेड हैं। इसकी जो बॉडी आती है वो अलॉय वाली आती है, काफी अच्छी है। 3D सा जो डिस्प्ले है वो 3D लुक सा आता है इसमें, थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले है। जो स्ट्रैप है वो काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, अच्छी है। प्राइस वैल्यू फॉर मनी है अराउंड 3,000 से 4,000 रुपए के बीच में आ जाती है। अब लेकिन क्या आपको सच में इसकी जरूरत है या फिर नहीं है? इसकी कुछ अच्छी फीचर्स, जैसे कि मैंने इसमें कॉलिंग टेस्ट की है, प्रॉपर वर्क कर दी है एंड आपके फोन में ऑप्शंस आते हैं, आप कॉल इस पे भी सुन सकते हो। जब जैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो आप ब्लूटूथ से जो आपका लगा हुआ उसमें भी सुन सकते हो, मोबाइल में भी सुन सकते हो, जहां पे आपकी मर्जी वहां तक सुन सकते हो, काट सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। डायल फेसेस दुनिया भर के हैं जो सच में बहुत औसम लगते हैं। जो भी मेरा है डायल फेस है वो दिल का है, सच में ये भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन आप एक स्मार्ट वॉच कब खरीदना चाहिए या फिर आपको ये स्मार्ट वॉच की जरूरत कब है? जब सच में आप इन सब चीजों का स्ट्रेस लेवल या फलाना ढिमकाना जो लेवल्स हैं, जब आप इनको मॉनिटर करना चाहते हो, मॉनिटर करके आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, देन ये स्मार्ट वॉच आपके लिए होने वाली है। इतना पैसा डाल के अगर आप एक स्मार्ट वॉच सिर्फ नॉर्मल अपने हाथ में पहनने के लिए ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप 1,000 रुपये में भी स्मार्ट वॉचेज आ जाती हैं, वो आप ले सकते हो, लोकल होती हैं बट डेफिनेटली आपका शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको सीरियसली कोई लंबी चलने वाली स्मार्ट वॉच चाहिए एंड एक्टिविटीज़ को आपको सच में ट्रैक करना है, देन आप इस वॉच के लिए जा सकते हो। ये वॉच आपको निराश नहीं करेगी एंड इसमें बहुत एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिया गया है, दुनिया से अलग फीचर कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। इसकी वर्किंग अच्छी है, स्मूथनेस अच्छा है, फीचर्स अच्छी हैं। मैंने बोट की देखी थी उसमें भी एंड इसमें कंपेयर करें तो दोनों में लगभग सेम फीचर्स आती हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। बाकी क्वालिटी ठीक है, फीचर्स ओके हैं एंड इस प्राइस रेंज में इस प्रोडक्ट के लिए आप जा सकते हो। लेकिन याद रखना, स्मार्ट वॉच तभी आपके कामयाब आती है जब आप सच में उसका काम करना चाहते हो। अगर आपको उसे शौक के लेना है वो आपकी मर्जी है और सिर्फ शौक ही पूरा करना है तो आप 1500 रुपए में भी कोई वॉच उठा सकते हो। जरूरी नहीं आप 3,000-4,000 रुपए खर्च करो स्मार्ट वॉच के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको पोर्टनाइट का सामान सस्ते में चाहिए, ऑनलाइन से ज्यादा सस्ते दामों में चाहिए, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो और आपको चीजें सस्ती मिल जाएंगी पोर्ट्रोनिक्स ही वहां पे। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो के अंदर।